गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से हम लोग विद्याविहार स्कूल आपसे अपनी ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। और जैसा आप सभी को पता है, हमारा विद्यालय हर बार कुछ नया करने का कोशिश करता है। तो इस बार भी एक नया पैटर्न, नया तरीका, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम थ्रू वीडियो आप सभी के पास आपकी स्टडी को, आपकी पढ़ाई को पहुंचाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा प्रयास किया था अदर स्कूलों की अपेक्षा। चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। स्टार्ट विथ साइंस चैप्टर फर्स्ट। आप सभी क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी कुछ आप लास्ट क्लासों से आकर सीख के आए हुए हैं कि क्रॉप माने क्या होता है, भारत में कितने प्रकार की क्रॉप करी जाती हैं, कौन सी सीजनेबल सीजन पे कौन सी क्रॉप्स होती है, उसके अंदर पाए जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। जैसे कि यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, होती है। प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेता है। भैया ऐसा अपना भोजन हम स्वयं थोड़ी बना पाते हैं, वैसे ओवरऑल ही देखा जाए तो बनाते हम ही हैं, क्योंकि मम्मी जी घर पे बना रही हैं आराम से, पापा जी बाजार से लेके आए। लेकिन नहीं, रियल वो कहाँ से आया, वो फील्ड से आया, वो प्लांट से आया, ठीक है। तो केवल प्लांट ही ऐसे ही लिविंग थिंग्स है, प्लांट को लिविंग थिंग्स में जोड़ा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये लाइन मेरी आपने हर बार सुना होगा, लगातार सिक्स में पढ़ाया मैंने आपको, सेवन्थ में पढ़ाया है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, वाटर, सनलाइट एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। अब हमारा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे भोजन के लिए क्रॉप्स को किया जाता है, जो एक फार्मर करता है। आपने देखा होगा सभी लोग गांव से बिलोंग कहीं ना कहीं हम करते हैं। मान लीजिए हम काफ़ी टाइम से यहाँ शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने गांव से बिलोंग होते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप क्या चीज़ होती है, क्रॉप मतलब होता है एक से पौधों को बहुत अधिक मात्रा में उगाना। क्या होता है क्रॉप का मतलब, सेम काइंड के प्लांट। देखा होगा गेहूं का अगर पूरा फील्ड है, खेत है, तो उसमें पूरी जगह गेहूं ही गेहूं 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 हो रहा होगा, देखा है ना, सब जगह गेहूं गेहूं लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं होता कि आपके गार्डन की तरह यहाँ गेंदे का फ्लावर लगा हुआ है, वहाँ वो लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता, सारा वही होता है। तो एक सी क्रॉप को बहुत अधिक मात्रा में करना क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। फील्ड में होता है, फार्मर करता है, ये आप सभी चीज़ें जानते हैं। सारे सीरियल्स, सारी वेजिटेबल्स, ऑल प्रोडक्ट वी ईट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दिस वर्क, क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। सभी ये क्रॉप प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, इन इंडिया दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, एक है रबी यानी राबी की क्रॉप्स और एक है खारीफ। रबी और खारीफ की फसल होती हैं, दो प्रकार की, नॉर्मल लैंग्वेज में रबी और खरीफ की फसल भी बोलते हैं। तो रबी की और खारीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं, ये सीजन के हिसाब से होती है। मान लीजिए हम खारीफ की बात करें, क्योंकि अब खारीफ की फसल बोई जाएगी, ये रेनी सीजन यानी जून से लेके सितंबर तक इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट शामिल होता है। रबी क्रॉप्स इन विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में होता है, वो मानसून में होता है, रेनी में, ये विंटर्स में होता है। इसमें बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल के लिए, मस्टर्ड यानी सरसों, ये होता है। अब ये तो जनरल सी बात हुई, अब हम बात करते हैं क्या
ये काम केवल इतना ही है। बड़ा देखने में आसान लग रहा है ना कि आसान तो बड़ा बढ़िया मस्त काम है यार, खुद उगा लेता खुद खा लेता है। नहीं, एक बहुत लंबी सी प्रोसेस है जिसे मैं भी आपको बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगा, तब जाकर हमें वो दाने वो अनाज प्राप्त हो पाता है। सबसे पहले बेसिक पार्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, बेसिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, बहुत लंबी लाइन जाएगी इसकी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, खेत को तैयार करना फसल के लिए, फिर सोइंग, अच्छे बीजों को उसमें डालना, फिर थोड़े बीज बाहर निकलने के बाद पौधा बनने के बाद एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों और खादों को डालना, फिर इरिगेशन, थोड़ा बड़ा होने पर उसकी सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उसे बचाना, हार्वेस्टिंग, कटाई करना उसकी, एंड स्टोरेज। यहाँ तक इतनी लंबी प्रोसेस, कम से कम ये 7 प्रोसेस हैं। इन सबसे निकल कर तब वो मार्केट में अनाज पहुँचता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आइए आगे देखते हैं, फिर आया फर्टिलाइजर मैन्योर। क्या होते हैं फर्टिलाइजर? वो होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो केमिकली तरीके से बनाए जाते हैं, एक तरीके से खाद बोला जाता है उनको, जैविक। और मैन्योर जो होता है वो जैविक खाद होता है, ये गांव में तैयार किया जा सकता है एनिमल एंड वेजिटेबल वेस्ट से, ठीक है। इरिगेशन माने सिंचाई होता है, अभी हमने पढ़ के आए, बहुत सारा इस चैप्टर में आपको सीखने के मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की सीधे से एक्सरसाइज, सीधे से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इन्हें एक लिस्ट दी है जिसमें लिखे हैं फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इनको हमें ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स इसके दिए हुए उनमें भरना है। पहला, द सेम काइंड ऑफ प्लान ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, अभी पढ़ के आए, उसको हम क्रॉप कहते हैं। सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल, अभी हम पढ़ के आए थे, इसका पॉइंट बताया था मैंने। फर्स्ट है प्रिपरेशन, क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, खेत को तैयार करना। थर्ड है डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, जो खराब बीज होते हैं उनको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो तैरने की स्पेलिंग क्या लिखी है? फ्लॉट, तो फ्लॉट ऑन वाटर। फोर्थ, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, क्या क्या चाहिए उसको? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सनलाइट मिल गया तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स और उसको चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से स्वस्थ पौधा बन सके। लास्ट, अच्छा ये डी था, ओके डी है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच आइटम इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो खरीफ क्रॉप्स की आपको एग्जांपल लिखने थे, तो खरीफ क्रॉप्स का आप पढ़ के आए हैं पैडी और मेज, क्या है? पैडी और मेज है उसका एग्जांपल। फिर है 2, रवि क्रॉप्स का है वीट, ग्राम, पी। 3, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, सफ़ेद सफ़ेद सी बोरियाँ आप देखते होंगे किसान लेकर आता है मार्केट से। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, और जैविक खाद जो है वो कैसे बनती है? एनिमल एक्सक्रेटा, जो एनिमल का वेस्ट है, काउडंग, गाय का गोबर, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, एंड प्लांट वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होता है।
फिर है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, प्रत्येक के दो दो को एग्जाम्पल दीजिए। पहला है खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप के आपने एग्जाम्पल अभी दे के आए, जस्ट अपन ऊपर वाले मेजा कॉलम में ही है, पेडी और मेज तुरंत लिख देंगे। एंड रावी क्रॉप्स का है वीट एंड पी, ठीक है, गेहूं और मटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट अ पैराग्राफ इन योर वर्ड्स ओवन वर्ड्स ऑन ईच द फॉलोइंग। वही जो इसकी स्टेप थी, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, बीडिंग एंड थ्रेसिंग, इनको डिटेल में लिखना है। क्या क्या पॉइंट थे? प्री प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बी या सेकेंड, तो इसको ए कर देते हैं, बी है सोइंग, सी है बीडिंग, इनको डिटेल में बताना है, और डी है थ्रेसिंग। ये पॉइंटों को डिटेल में समझाना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ले लेते हैं हम, पहले सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले खेत को तैयार करना। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन व्हेन लूसन ऑफ सॉइल। मिट्टी को फुरफुरा बनाते हैं जिससे कि बीज उसमें अंदर तक अपनी जड़ों को फैला सकें, विच इज द एसेंशियल फ्रॉम द रूट प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। दिस अलाउ द रूट्स ब्रीथ ईजली, ये जड़ों को आराम से सांस लेने में मदद होने देती है। इस प्रकार नीचे से पानी भी वो अपनी ऊपर पूरे प्लांट में भेजती हैं और एक स्वस्थ पौधा खड़ा हो पाता है। दूसरा है सोइंग। सोइंग मतलब बोना। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होता है अच्छे बीजों का। इसमें लिखा हुआ है सोइंग इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर बिफोर सोइंग। एक अच्छे बीजों का चयन करना बोने से पहले, आफ्टर सिलेक्टिंग हेल्दी फूड हेल्दी सीड्स सोइंग द डन बाई आइदर ट्रेडिशनल मेथड एंड न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्निक या पुराने मेथड से किसी से भी हम इसको सो सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, बो सकते हैं। फिर है बीडिंग। थर्ड, बीडिंग क्या होता है? खरपतवार लग जाना, खरपतवार लग जाता है। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट इन द फील्ड, जो बिना वजह पेड़ पौधे उग गए हमारी फसल के साथ, उनको हटाना बीडिंग कहलाता है। बीड्स कंपैक्ट विद द क्रॉप्स। ये क्या है? अगर ये होगा तो वो हमारी फसलों को अच्छी तरह नहीं उगने देगा, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ये बीडिंग जो बीड्स होंगे वो खा जाएंगे, तो हमारा पौधा कमज़ोर होगा, उसमें लगने वाला अनाज कमज़ोर होगा, पतला दाना होगा। तो उसको ख़त्म करने की वाली प्रोसेस को हम बीडिंग कहते हैं। फिर है लास्ट थ्रेसिंग। जब फसल कटकर कल्टीवेट होके आ जाता है तो फिर उसको थ्रेसराइज्ड करते हैं। जो एक विशेष मशीन है, कंबाइन है आजकल, थ्रेसर है, उसके द्वारा थ्रेस करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ चाफ फ्रॉम द क्रॉप नाउन इज थ्रेसिंग। जो गट्ठे होते हैं पूरी फसल के बने हुए, उनको बीज से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। एक मशीनों के द्वारा किया जाता है, कंबाइन इसका नाम है, हार्वेस्टर एंड थ्रेसर इनके नाम है। इन मशीनों के द्वारा इसे अलग किया जाता है। नाउ वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम मैनवर। बताइए कि फर्टिलाइजर्स एंड मैनवर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। बताते हैं, पहले हम फर्टिलाइजर के सारे पॉइंट आपको गिना देता हूँ मैं। फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इन फैक्ट्री। इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ये मिट्टी को कोई अच्छी ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अच्छी मात्रा में होते हैं। अगला है लॉन्ग टर्म यूजेज हैज एडवाइस इफेक्ट ऑन सॉइल। अगर हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं तो वहाँ की मिट्टी निश्चित तौर पर खराब हो जानी है कुछ दिनों बाद। मैन्योर। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ये जैविक खाद है जो केंचुए से तैयार करी जाती थी, है ना, वो गाय का गोबर ओवर भर ले जाते थे गांव के लोग, है ना। मैनोर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैनोर इज ऑब्टेंड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट, इन सभी के वेस्ट से ये तैयार हो जाती है। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, खेतों में तैयार किया जा सकता है। प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉयल, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये फर्टिलाइजर की अपेक्षा कम न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। लॉन्ग टर्म यूजेज इम्प्रूव द सॉयल फर्टिलिटी, अगर हम इसको अच्छे समय बार बार यूज करते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी फर्टिलिटी को इनक्रीज करती है, बढ़ाती है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, मतलब इरिगेशन क्या है और इसके क्या क्या मेथड है जिससे हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। इरिगेशन सबसे पहले, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, वाटर की सप्लाई जो है वो क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल्स पे देना इरिगेशन यानी सिंचाई कहलाता है। मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर, पानी को बचाने के लिए भी हमें कौन कौन सी टेक्निक और मेथड यूज करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक है ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद वाला। आपने देखा हो कहीं फील्ड में आप कहीं जाते हो तो देखा हो पानी पानी दूर दूर पानी पानी गिर रहा होता है। हेयर वाटर गेट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू रूट्स, अगर बूंद बूंद करके पानी जाएगा तो वो अंदर जड़ तक जाएगा, एकदम तेज पानी बहा देंगे तो वो पूरा बह जाता है, कम मात्रा में पहुँच पाता है और पानी काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन का है, बूंद बूंद करके पानी छोटा थोड़ा पानी छोड़ा जाए तो ये बीड्स को भी नहीं उगने देता है और पानी का वेस्ट को भी रोकता है। दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वही फब्बारा वाला नोजल स्टेप वाला टप टप करके जाता है, पानी दूर दूर गिर रहा होता है, आपने देखा होगा, जिनके यहाँ गार्डन्स वगैरह हैं उनने देखा होगा। दिस मेथड इज़ यूज द मेनली अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इन ऑर्डर, ये वहाँ किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। और द परपेंडिकुलर्स पाइप्स, हाँ ऐसे कुछ पाइप्स होते हैं वो बने होते हैं और उसके ऊपर नोजल लगा होता है ऐसा, और वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता है, ठीक है, जिससे वो हर जगह पानी पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरत होता है उतना पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, मान लीजिए हमने गेहूं को खरीफ सीजन में बो दिया, वाट वुड हैपन, क्या होगा डिस्कस बताइए। तो नॉर्मल सी बात है, आपको आपने कभी रात में काम नहीं किया पूरी रात जग कर और आपको एक दिन रात को जग के काम करा लिया जाए, आप बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा ही है, सीजन के हिसाब से उसका काम नहीं होगा, उसको बो देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। वीट क्रॉप्स मे गेट डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी इन खरीफ सीजन बिकॉज अनफेवरेबल टेम्परेचर्स पेस्टिस एडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट टू ग्रो, क्योंकि उसे जो उसे चाहिए था उसके फेवर जैसा सीजन नहीं मिला, टेम्परेचर नहीं मिला, कंडीशन नहीं मिली जिससे वो खरीफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ रेनी सीजन के बाद आता है। हैंस इज नॉट वाइस आइडिया टू ग्रो बीट इन खरीफ सीजन, इसलिए कोई आइडिया काम नहीं आएगा यदि हम खरीफ में गेहूं को बो देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय
द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। जो कंटिन्यूस चक्कर हम एक ही फसल अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें चेंज करके फसल करता है। आपने देखा हो किसान कभी कोई सी फसल करता है, कभी कोई सी फसल करता है, जिससे क्या उसकी फर्टिलिटी अच्छी तरह हो जाती है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट विल डाई। उन्हें बराबर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप रिजल्ट इन डेप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एक ही फसल बार 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 करते रहेंगे तो वो उसके मिट्टी का पूरा न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देंगे, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज द यील्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हैंस शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू द गुड एंड। इस प्रकार से वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी और भविष्य में अच्छी फसलें उत्पादित नहीं होंगी। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, वाट आर बीड्स एंड हाउ कैन बी कंट्रोल देम। बीड्स क्या होता है और इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बीड बता दिया मैंने, वो अनचाहे पौधे लिखा है। इन द फील्ड मैनी अदर अनड्रेजेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। प्राकृतिक रूप से उसके साथ कुछ प्लांट खड़े हो जाते हैं। दीज अनड्रेजेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स। इनको ही बीड्स कहा जाता है। बीड्स कैन बी कंट्रोल बाई द मैथड ऑफ कॉल्ड बीडिंग। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें बीडिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प द अपरूटिंग एंड किलिंग द बीड्स विच मे इन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। बीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स एंड वेडिसिड्स। इसके अलावा उनमें दवाइयाँ भी डालने जाती हैं, जिससे वो दवाई देखी होंगी आपने, वो एक फार्मर अंकल पीठ पे लगा लेते हैं और फिर वो ऐसे करके चलाते हैं, हाथ से भी चलाया जाता है, तो दवाई का छिड़काव करते हैं जिससे वो बीट्स ख़त्म हो जाए, उसके लिए भी होता है। अब ये नंबर दिए हैं यही कॉलम के कि उनको अरेंज करना था। ये सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री नंबर एक पे दिया है, सेकंड पे इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग लाइन से दिए हुए हैं। इनको सेटअप करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड सेकंड पे प्लोइंग, हल चलाते हैं उसमें, फिर आता है सोइंग, बीज को बोते हैं, फिर आता है मैन्योरिंग, खाद वगैरह को डालते हैं, फिर आता है इरीगेशन, सिंचाई करते हैं, फिर करते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई करते हैं, एंड सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। फिर जाकर वो फैक्ट्री की ओर जाता है। इस प्रकार से ये पूरा चार्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्लास होमवर्क रहेगा, आपको ये होमवर्क करना है। एक पजल है, उसको तैयार करना है बड़ी अच्छी तरीके से, एंड आई होप आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है और विद्याविहार स्कूल आप सभी के स्वस्थ रहने, खुश रहने की कामना करता है।